बताने जा रही हूँ द डेवलपमेंट ऑफ एंथर। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि किस तरह से एंथर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, पोलिनेटर्स कैसे होते हैं, किस पार्ट को क्या कहा जाता है। ओके, आज हम लोग बता रहे हैं कि वो एंथर का डेवलपमेंट एट द टिप ऑफ फिलामेंट कैसे होगा। फर्स्ट जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में दिया था दैट इज ये फिलामेंट है, और यहाँ हम लोगों ने देखा था कि ये एंथर लोब्स प्रेजेंट। एंथर एंटायर एंथर का जो फिलामेंट डेवलपमेंट होता है वो आज मैं डिटेल में बताने जा रही हूँ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ होमोजेनस मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट एट द टिप ऑफ फिलामेंट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ होमोजेनस मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट एट द टिप ऑफ फिलामेंट विच इज कवर्ड बाय एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द आउटर लिमिटिंग लेयर इन दिस केस। होमोजेनस मास मीन्स वो सेल जो एक ही प्रकार के होते हैं, हाइली न्यूट्रिटिव सेल्स दे आर डिवाइडिंग कंडीशन में है, पेरेंकाइमेटस है एंड लिविंग। नेक्स्ट दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इन सेकेंड स्टेज हम लोग देख रहे हैं इस होमोजेनस मास में कोई भी चार सेल एक्टिव हो जा रहे हैं। इस होमोजेनस मास में कोई भी चार सेल एक्टिव हो जा रहे हैं और ये चार पॉइंट्स पे प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं आर्चिस्पोरियल सेल। आर्चिस्पोरियल सेल्स आर हाइपोडर्मल सेल, जो हमने पहले भी नोट्स में इसका जिक्र किया था। ये हाइपोआर्चिस्पोरियल सेल्स एक्टिव होकर नाउ रेडी टू डिवाइड। नेक्स्ट स्टेज, चार कॉर्नर में जो चार आर्चिस्पोरियल सेल हमें दिख रहे हैं, हर एक सेल डिवाइड करेगा माइटोटिकली। हर एक सेल डिवाइड करेगा माइटोटिकली, माइटोटिकली इनटू टू। आउटर लेयर इज नोन एज प्राइमरी पैराइटल सेल एंड इनर इज स्पोरोजेनस सेल। आउटर इज नोन एज प्राइमरी पैराइटल सेल एंड इनर इज स्पोरोजेनस सेल। आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट, इन नेक्स्ट स्टेज प्राइमरी पैराइटल सेल वो अब डिवाइड करना शुरू होता है धीरे धीरे एंड ऑल डिविजन्स आर माइटोटिक बिकॉज इट इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। ऑल डिविजन्स आर माइटोटिक बिकॉज इट इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। फर्स्ट डिविजन जो प्राइमरी पैराइटल सेल में हुआ वो आउटर एंडोथेलियल लेयर बनाएगा, जो जिसका जिक्र हमने लास्ट वीडियो में किया था। आउटर एंडोथेलियल सेल जो बन रहे हैं वो सेल माइटोसिस के बाद एंटी क्लाइनल डिविजन से बनते हैं। एंटी क्लाइनल डिविजन से वो बने, ये इलॉन्गेटेड सेल्स है, फाइब्रस इन नेचर एंड ये डिस्पर्सल में मदद करते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। जब एंडोथेलियल लेयर बन जाता है तो फिर से ये पैराइटल सेल डिवाइड करना शुरू हुआ। जब फिर से डिवाइड करना शुरू हुआ तो उसको एक दो तीन या यूजुअली थ्री लेयर्स बनाते हैं, दे आर नोन एज मिडल लेयर। यहाँ तुम देख रहे हो कि ये सेल्स कंपैरेटिवली स्मॉलर है दैन एंडोथेलियल सेल्स, और ये रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करता है। जब ज़रूरत होती है पोलन ग्रेन को एक्स्ट्रा रिजर्व फूड मटेरियल को उसका, तो ये प्रोवाइड करता है उसको। तो दीज सेल्स आर नोन एज, दिस लेयर इज नोन एज मिडल लेयर। एंड यहाँ दो तरह के डिविजन होते हैं, एक पेरिक्लाइनल दूसरा एंटीक्लाइनल। द थर्ड स्टेज आफ्टर दैट, नेक्स्ट जो लेयर बन रहा है वॉल का दैट इज द कैपिटल। कैपिटल सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट जोन होता है इस पूरे स्ट्रक्चर का, क्योंकि ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है। यही ग्रोइंग स्पोर्स को या माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन को फूड प्रोवाइड करता है। ये कैपिटल सिंगल लेयर होते हैं जनरली, और अकॉर्डिंग टू प्लांट स्पीसीज दे आर ऑफ टू टाइप्स, या तो वो सिक्रीटोरी होंगे या एमीबॉइड। सेक्रेटोरी का मतलब क्या होता है, ये कैपिटम जो तुम देख रहे हो यहाँ से
फूड अपने आप वॉल के थ्रू इनसाइड द स्कोरोजिनस टिश्यू पहुंचे। सिक्रीटोरी का मतलब होता है कि यहाँ से फूड अपने आप वॉल से सिक्रीट होकर इनसाइड द स्कोरोजिनस टिश्यू पहुंचेंगे बाय सेमी परमेबल लेयर। लेकिन अगर ये अमीबॉइड होता तो ये सेल्स पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते, इनके वॉल्स टूट जाते और एंटायर मटेरियल अपने आप चला आता है इनसाइड द स्पोरोजिनस टिश्यू। अमीबॉइड में सारे सेल वॉल टूट जाते हैं और एंटायर ये पहुंच जाता है इनसाइड द स्पोरोजिनस टिश्यू और इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये डिफरेंट स्पीसीज में पाए जाते हैं। नाउ कम टू द स्पोरोजिनस टिश्यू। इनर पोर्शन जो लोक्यूल हम लोग जिसको कह रहे हैं, इसमें जितने सेल्स होते हैं दे आर सेम टाइप एंड सेम नेचर, अगेन होमोजीनस टाइप। ये सेल्स डिप्लॉयड होते हैं और ये सेल डिप्लॉयड होकर ये डिवाइड करते हैं मियोटिकली। ईच एंड एवरी सेल डिवाइड करेंगे मियोटिकली टू फॉर्म द स्पोर टेट्राड। सपोज यहाँ 100 सेल है तो आफ्टर स्पोर टेट्रा जब स्पोर्स बनते हैं तो 400 स्पोर्स इनसाइड वन लोक्यूल बनेंगे। हम लोग जानते हैं पोलिन ग्रेन्स की जो संख्या होती है वो मैक्सिमम होती है क्योंकि ये एक से चार बनने वाले होती हैं। जब ये इससे हैप्लॉइड बन जाते या स्पोर टेट्रा बन जाते हैं तो इस जगह पे मियोसिस होती है। अब यहाँ आकर मियोसिस होती है और इस जगह आकर खत्म हो जाता है डेवलपमेंट ऑफ एंथर और स्पोर्स बन जाते हैं। नाउ हैप्लॉयड स्पोर्स आर रेडी फॉर पॉलिनेशन।